क्लास 12th स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स पढ़ा। अब कुछ एग्जांपल की हेल्प से उनको हम प्रूव करेंगे। देखिए, हमें ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू दी हुई है एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, जेड एक्स वाई, वन वन वन, एंड वी हैव टू प्रूव आंसर इज ज़ीरो। तो देखिए हम कैसे प्रूव करेंगे। इसमें हम सारे ऑपरेशंस यूज़ करेंगे जो जो हमने डिटर्मिनेंट्स में किए थे। जब भी आपको किसी भी डिटर्मिनेंट में एक रो या कॉलम में आपको वन 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 नज़र आ जाए, तो आप क्या करेंगे, उसमें से किन्हीं दो वन को आप कोशिश करिए या तो जीरो बनाइए, या आप एक काम देख सकते हैं। यहाँ से देखिए, अगर हम x प्लस वाई प्लस जेड कर दें, यहाँ भी y प्लस जेड प्लस एक्स कर दें, जेड प्लस एक्स प्लस वाई कर दें, दैट मीन्स अगर हम आर वन में आर टू प्लस कर दें, इफ फर्स्ट की ऑपरेशन आर वन को चेंज कर दें आर वन प्लस आर टू में, तो देखिए क्या बनेगा, x प्लस वाई प्लस जेड, और इसको प्लस करेंगे तो ये भी x प्लस वाई प्लस जेड, और इसको प्लस करेंगे तो x प्लस वाई प्लस जेड, और इसको एज इट इज़ रखेंगे, ठीक है। तो अगर देखिए इस पूरी रो में क्या कॉमन नज़र आ रहा है, x प्लस वाई प्लस जेड, आप कॉमन ले सकते हैं बात, तो वन 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 जेड एक्स वाई, वन वन वन। अब यहाँ एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने लास्ट, कि अगर किसी भी डिटर्मिनेंट की टू रोज सेम, देखिए ये भी वन 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 है, ये भी वन 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 है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, जीरो। क्यों? क्योंकि आर वन और आर थ्री सेम है, देखो आंसर दिस इज मल्टीप्लाइड बाई जीरो, दैट इज आंसर इज जीरो। तो यहाँ पे हमने रीज़न दे दिया कि आर वन और आर थ्री सेम है, इसलिए इसका आंसर जीरो होगा। और अगर आप खोल कर इसको एक्सपेंड भी करेंगे, एक्सपेंड करके सोल्व करेंगे, तो भी आंसर आपका जीरो ही आएगा, इसलिए हम एक्सपेंड नहीं करेंगे। और नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए, आपको इवेल्यूएट करना है वन 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 ए बी सी, बी सी सी ए और ए बी। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी अगर ऐसा कुछ होता कि प्लस करने से सेम बनता, तो प्लस करने से तो बनेगा नहीं, ए प्लस बी सी है, ए बी प्लस सी ए है, सी प्लस ए बी है, हाँ इंटू कर दें अगर ए बी सी और ए बी सी बन जाएगा, उससे भी हो सकता है। लेकिन कोशिश क्या कीजिए कि जहाँ भी आपको थ्री वन नज़र आ जाएं, तो आप उनमें से दो को जीरो बनाने की कोशिश कीजिए। देखो कैसे करेंगे, वन माइनस वन जीरो है, तो हम आर टू को चेंज कर देते हैं आर टू माइनस आर वन में, और इसको भी आर थ्री को भी चेंज कर देंगे आर थ्री माइनस आर वन में, तो देखो क्या बनेगा। फर्स्ट तो एज इट इज़ रखिए, वन माइनस वन ज़ीरो, ये बी माइनस ए हो जाएगा, ये सी ए माइनस बी सी, और ये वन माइनस वन ज़ीरो, सी माइनस ए, ए बी माइनस बी सी, ठीक है। अब देखिए इसको, वन ए बी सी ज़ीरो ज़ीरो, बी माइनस ए, सी माइनस ए, इन दोनों में से सी कॉमन है तो क्या बच गया, ए माइनस बी, यहाँ से बी कॉमन है तो यहाँ से बच गया ए माइनस सी। अब कुछ कॉमन नज़र आ रहा है, ध्यान से देखिए, अगर हम वन ज़ीरो ज़ीरो ए और बी सी, बी माइनस ए इसमें है इसमें, लेकिन ए माइनस बी है, लेकिन जीरो में तो आप बी जीरो इंटू समथिंग लिख सकते हैं। इस रो में देखिए, ये ए माइनस बी बना लीजिए या इसको बी माइनस ए बना लीजिए, है तो सेम, सिर्फ माइनस का चेंज है। तो आप इस रो में से क्या कॉमन ले सकते हो, ए माइनस बी, ये, और इस रो में से क्या कॉमन ले सकते हो, ए माइनस सी कॉमन लिया, तो देखिए जीरो ये यहाँ से ए माइनस बी कॉमन लोगे तो माइनस वन, क्योंकि ये बी माइनस सी है, यहाँ सी, यहाँ से ए माइनस सी कॉमन लिया तो माइनस वन, और यहाँ पर क्या बचा आपका बी। अब इसको एक्सपेंड कीजिए, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब आप एक्सपेंड करेंगे तो किसके थ्रू करेंगे, जिसमें आपके पास जीरो है, तो आप इसके थ्रू करिए कॉलम, इसको और इसको छिपाइए, वन इंटू क्या बचा, माइनस बी प्लस, माइनस बी प्लस सी, तो आपका पास आंसर आ गया ए माइनस बी, ए माइनस सी, और इसको अगर आप माइनस में लिखना चाहो तो माइनस कॉमन निकाल दो, इसको बी माइनस सी लिख सकते हैं, और उस माइनस को अंदर ले जाना चाहो तो ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस ए, दैट इज़ अवर आंसर, ओके। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एग्जांपल आपको क्या प्रूव करना है, देखिए कि
बी प्लस सी ए ए, यहाँ आपके पास बी सी है और यहाँ सी प्लस ए है, यहाँ बी है और यहाँ सी है, ये ए प्लस बी है और आपको इसका आंसर लाना है 4ABC। ये आपको आंसर इसका लाना है। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग, हम अगर देखिए ध्यान से बी प्लस सी में से बी माइनस कर दें तो यहाँ क्या बचेगा आपके पास, सी बचेगा। कर सकते हैं आर वन माइनस आर टू, और एक और काम कर सकते हैं, अगर बी प्लस सी में से ये दोनों माइनस कर दें, बी में से बी भी माइनस हो जाएगा, सी में से सी भी माइनस हो जाएगा, कर सकते हैं हम इसको। तो यानी कि हम अगर फर्स्ट रो में से, और इसमें देखिए इन दोनों में से माइनस होगा तो ये भी कैंसिल हो जाएगा कुछ ना कुछ, तो हम ऑपरेशन लगा देते हैं कि आर वन को चेंज कर दो, आर वन में से आर टू और आर थ्री दोनों को माइनस कर दीजिए। देखिए क्या बनेगा, बी प्लस सी माइनस बी माइनस सी क्या हो गया, ज़ीरो। ए से ए कैंसिल, लेकिन यहाँ से देखिए ए माइनस सी माइनस ए माइनस सी, तो ये भी माइनस सी ये भी माइनस सी, तो ये माइनस टू सी हो जाएगा। इसी तरह ए माइनस बी माइनस ए माइनस बी, तो ये माइनस टू बी हो जाएगा। बाकी एज इट इज़ रख लीजिए, ठीक है। अब और कुछ देखें तो हमसे लगता है, देखो टू सी ये तो ऑपरेशन लगाइए तीनों का, अब इसके ऊपर कोई ऑपरेशन नहीं लग सकता, तो अब हम इसको एक्सपेंड कर देंगे क्योंकि एक पार्ट हमारा ज़ीरो हो गया। एक्सपेंड कर दीजिए इसको सेकेंड पार्ट के हिसाब से इस रो के थ्रू, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा टू सी इंटू, इसको सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा, ये तो फर्स्ट तो ज़ीरो ही हो जाएगा, फिर माइनस होता है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इसको इसको छिपाएंगे तो सी प्लस ए बी सी ए प्लस बी माइनस टू बी, इसको इसको छिपाया बी सी प्लस ए सी सी। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4ABC। आप सोल्व करेंगे इसको अपने आप 4ABC आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। अब देखिए इस तरह से हमने कई एग्जांपल्स कर लिए हैं, तो अब आप क्या करोगे, एक्सरसाइज ट्राई करेंगे 4.2 आप एक्सरसाइज ट्राई करेंगे। इसमें आपके पास प्रैक्टिस के लिए 14 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ आपको यूज़ करनी है जो हमने लास्ट वीडियो में डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज़ थी, प्लस माइनस करना मल्टीप्लाई करना ऐड करने से सोल्व करिए, और जो डाउट्स होंगे वो आप लीजिए, ठीक है, फिर ही आपका चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। एक कल हमने वीडियो में डिटरमिनेंट सोल्व किए थे, उसमें हमने प्रॉपर्टीज़ की हेल्प से किए थे, तो आप देखिए इसका आंसर आपको ज़ीरो लाना है, ज़ीरो दिया है ताकि ये आंसर आपका ज़ीरो आ जाए, ये आपको गिवन है और ये प्रूव करना है, ठीक है। नाउ देखिए सॉल्यूशन में क्या करेंगे, एक्स वाई जेड एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब वन प्लस एक्स क्यूब वन प्लस वाई क्यूब वन प्लस जेड क्यूब, इसको सोल्व करेंगे। एक प्रॉपर्टी बताई थी आपको कि अगर टू टर्म्स का सम हो, कि आपको टू टू टर्म्स दी हैं, तो आप इसको टू डिटरमिनेंट्स के सम के रूप में लिख सकते हैं। कैसे, आपने वन वन इसमें ले लिया तो इसमें क्या बच गया, एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर है, ठीक है, क्लियर। अब देखिए इसमें क्या होगा, आप इसको तो एज इट इज रखिए प्लस, इसमें देखिए आप, इसमें से आपको एक्स कॉमन नज़र आ रहा है, इसमें से वाई और इसमें से जेड, तो एक्स वाई जेड कॉमन ले लीजिए, तो वन एक्स इज स्क्वेयर था ना, तो एक्स एक्स स्क्वेयर वन वाई वाई स्क्वेयर वन जेड जेड स्क्वेयर। अब ध्यान से देखिए, अगर हम इसको पहले यहाँ इंटरचेंज करें फिर इसको यहाँ इंटरचेंज करें तो क्या होगा, कौन सी प्रॉपर्टी लगा रहे हैं आप यहाँ पर, कौन सी, तो पहले यहाँ चेंज कर दीजिए इसको, हमने कॉलम सेकंड और थर्ड को इंटरचेंज कर दिया, तो देखिए क्या होगा, माइनस लग जाएगा, क्योंकि जब एक टर्म ये भी प्रॉपर्टी थी आपकी,
कि अगर हमने दो रो को या कॉलम को चेंज किया तो माइनस लग जाता है। अब इसको यहाँ लाइए, इसको यहाँ हमने किसको चेंज किया था, सी वन को सी टू को सी थ्री और सी थ्री को सी टू में, और यहाँ सी वन को सी टू में चेंज करेंगे तो एक माइनस और आ जाएगा। ध्यान से देखिए डिटरमिनेंट सेम है और ये प्लस हो जाएगा तो ये इस तरह से कॉमन आ गया। लेकिन अब देखिए इसकी वैल्यू क्या दी गई आपको, इसकी वैल्यू आपको दी गई है, सोल्व कर लीजिए या तो, है ना, क्या दी गई है हमको, जीरो दी गई है इसकी वैल्यू। तो पहले आपको बताया था कि जब दो ऑपरेशन किसी भी में आपको दो वन नज़र आ जाएं तो आप क्या करेंगे, दो को जीरो बनाने की कोशिश करेंगे। तो आर टू में को आर वन में से माइनस करके आर टू बना दीजिए और आर थ्री को आर थ्री माइनस क्या कर देंगे, आर वन कर दीजिए। तो वन एक्स एक्स स्क्वेयर वन माइनस वन जीरो, वाई माइनस एक्स वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर जीरो, जेड माइनस एक्स जेड स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसके बाद ये तो एज इट इज़ है, यहाँ इसमें से आपको वाई माइनस एक्स कॉमन नज़र आ रहा है और यहाँ से जेड माइनस एक्स कॉमन नज़र आ रहा है, क्या बचेगा, वन एक्स एक्स स्क्वेयर वन वाई प्लस एक्स वन जेड प्लस एक्स, क्योंकि ए स्केयर माइनस बी स्केयर का फॉर्मूला लगा दिया। अब ये तो एज इट इज रहेगा, वाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स, और इसको इसके थ्रू खोलेंगे जब, इसको इसको छिपाया तो वाई प्लस एक्स माइनस वाई माइनस एक्स, वाई से वाई प्लस एक्स माइनस जेड माइनस एक्स, एक्स एक्स कैंसिल। और अब आपको इसकी वैल्यू क्या दी गई है, ज़ीरो। अब ध्यान से देखिए क्या बचा, वाई माइनस एक्स जेड माइनस एक्स और वाई माइनस जेड इजिकल टू जीरो। हमें क्वेश्चन में ये गिवन है कि एक्स वाई जेड क्या है, डिफरेंट है, एक्स वाई जेड क्या है आपके, आर डिफरेंट। डिफरेंट का मतलब कि सब अलग अलग हैं, दैट मीन्स ये वाला पार्ट तो ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये ज़ीरो होगा तो यहाँ से y की वैल्यू x आ जाएगी, इससे z की वैल्यू x आ जाएगी और यहाँ से y की, यानी कि दोनों सेम हो जाएंगे। तो ये जीरो नहीं है, इसका मतलब वन प्लस एक्स वाई जेड इक्वल टू जीरो, क्योंकि ये वाला पार्ट ज़ीरो नहीं है, क्योंकि ऑल वैल्यूज आर डिफरेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें वन प्लस ए वन वन वन, वन प्लस बी वन वन वन, वन प्लस सी, इसका डिटर्मिनेंट ये आपको ए बी सी इंटू दिस आंसर लाना है या इसका ये आंसर लाना है। ठीक है, ये आपको आंसर लाना है कि हमें प्रूव करना है, प्रूफ। देखिए लेफ्ट हैंड साइड ली हमने डिटर्मिनेंट की, अब ध्यान से देखिए हमें आंसर में क्या चाहिए, वन अपोन ए वन अपोन बी वन अपोन सी, फर्स्ट वाला चेक करते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखेंगे तो वन प्लस ए कहीं भी नहीं है, वन अपोन ए, वन प्लस तो ए तो है, वन अपोन ए नहीं है। तो वन अपॉन ए कब आएगा, जब हम ए से डिवाइड करेंगे। वन अपॉन बी कब आएगा, जब वन अपॉन हम बी से डिवाइड करेंगे। इस तरह से हम एक काम करते हैं, डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देते हैं या कॉमन निकाल देते हैं। इसमें से हमने क्या किया, इसको ए से मल्टीप्लाई कर दिया और ए से डिवाइड कर दिया। तो ए से मल्टीप्लाई किया वो तो बाहर है, और डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, वन अपॉन ए प्लस ए को वन से किया वन, वन को किया वन अपॉन ए वन। अब इस सेकंड वाली रो को बी से कर देते हैं, बी से मल्टीप्लाई बी से डिवाइड, तो ये वन अपॉन बी हो जाएगा, ये वन अपॉन बी प्लस वन, ये वन अपॉन बी। और इसी तरह सी से कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वन अपॉन सी वन अपॉन सी वन अपॉन सी प्लस वन। या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि हमने ए फर्स्ट रो से कॉमन लिया, बी को सेकंड रो से और थ्री थर्ड से, दैट मीन्स हम ये लिख सकते हैं ब्रैकेट में, रीज़न बताएंगे, टेक कॉमन ए बी एंड सी फ्रॉम आर वन आर टू एंड आर थ्री, इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए आंसर में हमें क्या नज़र आ रहा है कि वन प्लस दिस, यानी कि तीनों को प्लस किया हुआ है, तो फर्स्ट रो बना देते हैं
कि आर वन को चेंज कर दो, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री तीनों में चेंज कर दो, तो देखिए क्या आएगा। इसमें ये और ये प्लस किया तो क्या बना, वन अपॉन वन प्लस ए वन प्लस, इसमें ये करोगे तो ये देखो सेम चीज़ बनेगी। इसी तरह इसमें भी सेम टर्म बन गई है, और सेकेंड और ये थर्ड आप एज इट इज लिख लेंगे, ठीक है, क्लियर। अब क्या करेंगे देखिए, ये रो वन में आपको कॉमन नजर आ रहा है, कॉमन ले लीजिए, टेक कॉमन लिखना पड़ेगा आपको, वन प्लस वन अपॉन ए वन अपॉन बी वन अपॉन सी, तो यहाँ भी वन, यहाँ भी वन, वन अपॉन बी वन अपॉन सी वन अपॉन बी प्लस वन वन अपॉन सी वन अपॉन बी वन अपॉन सी प्लस वन। अब देखिए आपको पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि जहाँ भी आपको रो या कॉलम में दो वन नज़र आ जाए तो आप क्या करेंगे, उनको ज़ीरो बनाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ क्या है आपको नज़र आ रहा है, वन माइनस वन जीरो होगा, यानी कि कॉलम ऑपरेशन लगेगा। तो सी टू को चेंज कीजिए सी टू माइनस सी वन में, और सी थ्री को चेंज कीजिए सी थ्री माइनस, ये तो आपकी इच्छा है इसमें कर दीजिए या सी वन में ही कर दीजिए। तो देखिए क्या होगा, वन वन अपॉन बी वन अपॉन सी, वन माइनस वन ज़ीरो, इसमें से ये कैंसिल, ओनली वन बचेगा, इसमें से ये गया ज़ीरो, वन माइनस वन ज़ीरो, वन अपॉन बी माइनस वन अपॉन बी ज़ीरो, वन अपॉन सी प्लस वन, ये भी गया ओनली वन, ठीक है। अब आप इसको खोल दीजिए, एक्सपेंड करना आता ही है आप लोगों को, कैसे एक्सपेंड करते हैं, फर्स्ट रो से वन इंटू, देखिए इसको इसको छिपाया वन माइनस ज़ीरो, ये भी वन, इसको इससे इंटू करेंगे, ये आ गया आपका आंसर, फर्स्ट वाला पार्ट आ गया। अब देखिए सेकंड पार्ट में क्या करना है आपको, इससे ये आंसर लाना है। तो आपको नज़र आ रहा है ए बी सी बी सी, अगर हम इसको इंटू कर दें, अंदर इंटू कर दीजिए, ए बी सी इंटू वन ए बी सी, ए बी सी इंटू वन अपोन ए, ए से ए कैंसिल बी सी, ए बी सी इंटू वन अपोन बी तो बी कैंसिल, इसमें सी कैंसिल, देखिए दोनों आंसर आ गए, ये वाला भी आंसर आ गया और ये वाला भी आ गया, ओके कंप्लीट। अब आप क्या करेंगे, ये जो 4.2 है ये सारे आपको प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट से सोल्व करने हैं, ठीक है। तो आप ये सारे क्वेश्चंस सोल्व करेंगे, और जो आपके डाउट्स होंगे वो आप सैटरडे को ले लीजिए। आप कोई भी बच्चा लगता है सोल्व कर ही नहीं रहे क्वेश्चन, डाउट ही नहीं ले रहे आप, है ना, ठीक है, ओके।